Dear student, here we are going to learn the properties of the Wishart distribution. Now, we have the property number one. Let A is Wishart with parameter n and sigma, and L L hum kya hai? L basically hamne iske transformation ki hai and L be a p into one fixed vector. एल ये एल प्राइम ए एल आपके पास क्या बेसिकली दिस इज दी क्रॉस प्रोडक्ट टर्म्स या आप इसे कहते हो स्केयर टर्म्स हमारे पास होती है स्किल विद एन डिग्री ऑफ फ्रीडम सो सेगमा स्केयर एल विच इज इक्वल्स टू दिस वन क्या किया हमने इसमें विशाल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी नंबर वन हमें ये कह रही है कि हमने विशाट के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है ट्रांसफॉर्मेशन हमने ली एल की और एल किसके इक्वल है पी इंटू वन फिक्स्ड वेक्टर है तो हमारे पास विशार्ट जो है मल्टीवेरिएट वो यूनिवेरिएट में कन्वर्ट हो जाएगी ओके हम इसे प्रूव करके देखते हैं बाई डेफिनेशन ऑफ दिशा डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज हेयर इक्वल्स टू दिस वन अब जी हमने लिया है जी हमारे पास बेसिकली क्या है जी हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन वेक्टर मीन विद मीन वेक्टर जीरो एंड वेरियंस को वेरियंस मैट्रिक सेगमा सो का स्केयर सेगमा स्केयर का स्केयर विच इज टू दिस। अब एल प्राइम ए एल साम एज इट इज एल प्राइम एल प्राइम ए ए की वैल्यू हमारे पास क्या जी आई जी प्राइम इन टू सो एल प्राइम ए एल समी is. Is और फर्दर हमने अगर इसका भी प्राइम ले लें तो हमारे पास ये टोटल क्या हो गया एल प्राइम जी आई जी आई इज अ पी इंटू वन वैक्टर एंड एल प्राइम इज अ वन इंटू पी वैक्टर एल किस केकल था पी इंटू वन तो एल प्राइम वन इंटू पी वैक्टर सो द ऑर्डर चेक करते हैं हम द ऑर्डर ऑफ एल प्राइम जी आई एल विच इज इक्वल्स टू वन इंटू पी ठीक है L L 1 P, ना एल प्राइम विच इज इक्वल टू वन इंटू पी एंड जी आई ऑर्डर ऑफ जी आई विच इज इक्वल टू पी इंटू वन अब देन हमारे पास लास्ट क्या है वन इंटू वन तो वन इंटू वन विच इज इक्वल टू स्केलर क्वान्टिटी आ रही है इट मीन्स कि ये हमारे पास मल्टीवेरियट कन्वर्ट हो रहा है यूनिवेरियट में क्योंकि स्केलर क्वांटिटी की बात हो रही है क्या है आपके पास क्या होता है यूनिवेरियट में यूनिवेरियट में हम कहते हैं सम ऑफ जी आई स्केयर डिवाइडेड बाई सिग्मा स्केयर किसके इक्वल होता है सम ऑफ जी आई स्क्र विच इज इक्वल टू सिग्मा से विच इज इक्वल टू दी का सो इज टू टू दिस दिस प्राइम और ये हमें पता है दिस इज स्केलर क्वांटिटी इक्वल टू सिग्मा स्क्वेयर एल सो हमने फर्दर क्या किया एल प्राइम ए एल में हमने एल प्राइम सिग्मा एल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया अब मल्टीप्लाई डिवाइड करने से ये टर्म किसके इक्वल हो गई

एल प्राइम जी आई इज नॉर्मल विथ मीन जीरो एंड वेरियंसर तो आपने क्या किया इस प्रॉपर्टी में हमने विशाट को यूनिवेरिएट में कन्वर्ट किया है तो यूनिवेरिएट में हमारे पास किसके इक्वल है प्रॉपर्टी नंबर टू प्रॉपर्टी नंबर टू में हमने क्या किया प्रॉपर्टी क्या कह रही है बेसिकली हमें इफ ए एज अ विशाट विथ एन सेगमा एंड एम अब एम आया है तो एम आने की वजह से हमें पता चल गया दिस इज दी नॉन सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन तो ए हमारे पास विशार्ट क्या है दिस इज दी नॉन सेंट्रल देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए विच इज इक्वल टू दिस हमें शो करना है तो ये प्रॉपर्टी हमने शो करनी है इफ ए इज अशार्ट विद दिस पैरामीटर इट इज डिफाइंड एज दिस

को वेरियंस की हमारे पास यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई एक्स आई प्राइम की वैल्यू क्या है दिस वन अब ये वैल्यू आपके पास कहाँ एंटर होनी है हमारे पास हेयर नाउ द सम सम एज इट इज इसकी वैल्यू हमारे पास डिटर्मिन हो गई है वो वैल्यू हमने यहाँ पे एंटर की है नाउ मल्टीप्लाई दिस सम इन साइड ब्रैकेट दिस इज द टर्म तो कॉन्स्टेंट अगर आपके पास ये सम किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई होता है यू नो दैट विच इज इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ दिस कॉन्स्टेंट प्लस सम ऑफ म्यू आई म्यू आई प्राइम आपके पास ये क्या है सम ऑफ म्यू आई म्यू आई प्राइम विच इज इक्वल टू मीन ऑफ वेक्टर्स सो विच इज इक्वल टू एम प्राइम एम सो प्रूफ हो गया हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी भी दिस इज इक्वल टू दिस और ये किसकी प्रॉपर्टी है दिस इज देंट्रल विशार्ट प्रॉपर्टी नाउ हेयर इज द प्रॉपर्टी नंबर थ्री इफ ए वन ए वन इज अशार्ट विद एंड वन सिग्मा एम वन अब एम से आपको फिर पता चला है दिस इज दी नॉन सेंट्रल विशार्ट अब ए टोटल ए को अब हमने पार्टीशन कर दिया टू पार्ट्स में अब टू पार्ट्स में हमारे पास फर्स्ट कहाँ तक है एन वन तक और सेकेंड पार्ट हमारे पास एन टू आर डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली देन ए वन प्लस ए टू यानी हमने ए वन और ए टू का जब सम किया विच इज ऑल्सो इक्वल टू द विशार्ट विथ एन वन प्लस एन टू सेगमा एम वन एम टू को विच इज इक्वल टू एम विध एम प्राइम विच इज इक्वल टू दिस यानि आपके पास एम किसकेक्वल है एम विच इज इक्वल टू एम वन प्राइम इन टू एम टू प्राइम पार्टीशन हो गई ना आपके पास हाफ पार्ट इधर है एन वन टर्म्स इधर है और एन टू टर्म्स यहाँ पे सो एम वन प्राइम अब एम वन प्राइम विच इज इक्वल टू मीन ऑफ

प्रूफ स्टार्ट करें दिस इज दिनो एन सम आई एन नहीं तक होगा कहाँ तक जा रहा है विच इज नॉर्मल विद मीन वैक्ट म्यू वेरियस को वेरियस मेट्रिक सेगमा और आई के वेरिएशन कहाँ तक है विच इज इक्वल टू एन वन वो भी विशार्ट है Then, N2, अब हम क्या करें दिस इज दू ए टू भी हमने लिखा कहा से ए टू की वैल्यू स्टार्ट होनी है एन वन प्लस वन एन टू तक एक्स आई प्राइम ऑफ दिस एक्स आई फॉलो कर रहा है आपके पास नॉर्मल विथ मीन म्यू आई एंड आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन वन प्लस वन टू अपू सो ऑन एन टू अब इन दोनों के एडिशन ना ए वन प्लस ए टू ये क्या फॉलो करेंगे ए वन प्लस एन ए टू ये सम आ गया ए वन क्यों ए वन कहा तक है एन वन तक सेकेंड है ए टू ए टू सिंस एक्स वन एक्स टू अपू सो ऑन एक्स एन देन एन वन प्लस वन एन Plus up to so on, N2, तो ये वाला पोर्शन किसका है? A2 का और ये पोर्शन हमारे पास है ए वन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली एंड अपॉन matrix. जाहिर है उनकी जब कोवेरियंस मैट्रिक्स भी तो कोई ना कोई होगी ना अब वो कोवेरियंस मेट्रिक so है हमारे पास हेयर इज द ए टू दिस इज एडिशन अब इस साम को हमने कैसे लिख लिया ये देखो आपके पास है आई वेरिजन नेक्स्ट कहाँ से है एन वन प्लस वन से एन टू तो इसको ऐसे लिखेंगे some I varies 1, 2, N1 plus N2. जब इसे ओपन करेंगे तो ये वापस ये वाली फॉर्म बन जाती है अब ए वन प्लस ए टू दिस इज फॉलो दिशार्ट विद एन वन एन टू और वेरियंस और उसका मीन जो है वो हमारे पास फेक्ट है वो तो वही है यानी कि हमारा सिर्फ डिपेंड किस पे कर रहा है विषाट को अगर हम टोटल विषाट को स्प्लिट करते टू पार्ट्स में तो जो उसका रिमेनिंग आ रही है वो भी फॉलो करेगा विशाट डिस्ट्रीब्यूशन को और दिस इज दी मीन वैक्त